एक गांव में एक साधु रहता था जो नदी किनारे बैठकर हमेशा जोर जोर से बोला करता था, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। लोग पास के ही सड़क से गुजरते पर कोई उसकी बात पर गौर नहीं करता था और सभी उसको पागल कहकर आगे निकल जाते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने उस साधु की बातें सुनी, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति उसके पास जाकर बोला, गुरुजी आप बोल रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे, तो क्या सही में मैं जो कुछ मांगूंगा वह आप मुझे देंगे? यह सुनकर साधु बोला, अवश्य बेटा, जो तुम चाहते हो वह मैं अवश्य दूंगा, पर उससे पहले यह बताओ कि तुम चाहते क्या हो? युवा बोला, गुरुजी मुझे बहुत सारे हीरे मोती चाहिए, मैं बहुत बड़ा हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे हीरे मोती दे सकते हैं? साधु ने अपनी मुट्ठी बांधकर युवा की हथेली पर रख कर बोला, बेटा यह पकड़ो हीरा, इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, इस हीरे की मदद से तुम जितने भी हीरे बनाना चाहो बना सकते हो। लोग इसे समय कहते हैं, इस समय का कभी दुरुपयोग मत करना। युवा विचार ही कर रहा था कि उतनी ही देर में साधु ने युवा के दूसरे हाथ की हथेली पकड़ते हुए बोला, यह पकड़ो मोती, इसे लोग अपनी भाषा में धैर्य कहते हैं, अगर कोई काम में मेहनत करने के बाद भी तुम्हें सफलता ना मिले तो कभी निराश मत होना, हमेशा धैर्य से काम लेना। यह सुन कुछ दिनों बाद वह युवा किसी बड़े सेठ के यहाँ काम पर लग गया और कुछ दिनों में ही वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से खुद बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में समय और धैर्य हीरे मोती के समान है, जो भी इस समय का सदुपयोग करेगा वह जीवन में ज़रूर सफल बनेगा और साथ ही साथ उस काम को करने का आप सभी में धैर्य भी होना चाहिए। कोई भी इंसान एक दिन में तेंदुलकर या धोनी नहीं बनता, धैर्य और समय दो ऐसी चाबी हैं, जो इंसान इसको समझ जाए उसे अपनी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे समझे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर ज़रूर सेट कर लें। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।